पता है तुम लोगों को खुश देखते हैं ना हमको बहुत दुख होता है, तुमको हंसता हुआ देखते हैं तो हमको बहुत अंदर से तकलीफ होता है। भाग जल्दी, भागे उठा के फेंक देंगे, चल जल्दी मारेंगे, इतना मार चुट्टा चोर से। तुमको हंसते हुए देखते हैं, मेरा यहाँ का पारा यहाँ चढ़ जाता है। चुट्टा 1 लाख वैकेंसी सामने है, अब तुम लोग पागल हो गया है कि अपना टाइम एक एक सेकंड तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस बार नौकरी नहीं हुई ना तो पुत्ता और तोरा में कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरी बातें शायद तुमको बुरी लगेगी लेकिन यही जेन्युइननेस है। छोटा कभी अपनी उस माँ के लिए भी सोच जो तेरे घर पे तेरा इंतजार कर रही है, ये जादू देखेगा तुम। हैप्पी होली मना रहा है तुम छोटा, हम लोग भी पढ़ा करते थे कभी ये सब सोचते भी नहीं थे। जब तक पढ़ाई के फेज में रहे चला तेरा विश्वास नहीं होगा, दिवाली का दीपक एक बार देखते थे 5 मिनट के लिए रूम से बाहर निकल कि आज दिवाली है। उतना डेडिकेशन तेरे अंदर होना चाहिए, तू पागल हो गया है। अभी भी मौका है मेरे दोस्त, 8 से 10 दिन टाइम बचा है जो ये छुट्टी होने वाली है, कंप्लीट उसमें अपना रिवीजन तू कर ले अगर मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहता है तो। जरा सा भी अगर अंदर से लाज और शर्म बची हुई है, इससे हमरो इज्जत प्रतिष्ठा जुड़ल है तो रिजल्ट नहीं होगा चला, मेरा भी मान सम्मान सब धूमिल हो जाए। ये मेरे कोचिंग का पहला बैच है इसलिए एकदम नम्र निवेदन है तू कि 1 सेकंड भी अपना बर्बाद मत करो और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। एक होली नहीं मनाएंगे, अगली होली और दिवाली अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ मनाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। 10 दिन तक किसी को नहीं पहचानेगा, रूम बंद करेगा और कोई घर नहीं जाएगा। अगर घर जा भी रहा है तो रविवार शनिवार को निकलो या शुक्रवार को कल निकलो, रविवार सोमवार होली मना के मंगलवार को पटना चला आएगा तू। तब भी तेरे पास मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि 6 दिन का टाइम होगा, तुम मना लो 2 दिन की होली घर पे, लेकिन उसके बाद जो 6 दिन बचेंगे वो कंप्लीट रिविजन में लगाएगा। हमको बहुत बुरा लग रहा है, तुमको हंसते देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए चला कि 1 से 1.5 महीने में तेरे लिए करो या मरो की स्थिति है। पर क्या कर रहा है, एकदम गलत बात, इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है। हमको याद है कल कहां तक पढ़ाए वो भी हमको याद है। पता नहीं क्यों तुम सारी चीजें भूल जाता है, एक अलग ही दुनिया में खो जाता है जिस दुनिया के लिए तू यहां आया नहीं था। यहां हम लोग थे, यही थे ना, जीडी का फॉर्म भी आज से भरा रहा है, आज से भरा रहा है। सर देखिए, एक है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का दूसरा नाम परावर्तक दर्पण है। कौन दर्पण है मेरे दोस्त? ये अवतल दर्पण का दूसरा नाम यहां पर लिख लो, परावर्तक दर्पण। और अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, जिसको हम बिखराव दर्पण भी कहते हैं, कौन दर्पण कहते हैं मेरे दोस्त? बिखराव दर्पण। अवतल दर्पण में सारी किरणें परावर्तित होकर के एक बिंदु पर आकर मिल जाती है और उत्तल दर्पण में सारी किरणें बिखर जाती हैं। तो सारी किरणें चूंकि बिखर जाती है इसलिए उत्तल दर्पण को बिखराव दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को परावर्तक दर्पण कहते हैं। ये होली हम लोग एकदम नहीं मनाएंगे, एकदम नहीं, किसी शर्त पे नहीं। एनटीपीसी में भी लगभग सभी बच्चों का रिजल्ट हो जाएगा, तुम समझो 50 से 52 नंबर, 55 नंबर, 65 नंबर के अंदर कट ऑफ रहेगा, लगभग सभी बच्चों का रिजल्ट होगा। इसलिए प्यारे बच्चों एकदम नहीं सोचना, 7 लाख प्लस रिजल्ट दे रहा है,
तुमको पता नहीं चलेगा, रिजल्ट आएगा तुरंत लगेगा हमरो हो गया। उस टाइम जो तू संभल नहीं पाएगा तो अभी से संभलो, नहीं तो मामला एकदम गंभीर हो चुका है। सर ये प्रधान अक्ष है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बाय टू। अब देखिए सर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति के लिए आप 7-6 फिगर आप पढ़े होंगे बचपन में, लेकिन सर यहाँ आपको नहीं पढ़ना, यहाँ आप एक ही फिगर में आपका काम हम चला देंगे। कैसे, गौर फरमाइएगा। हमको सर ये देख के बहुत खुशी है कि आप लोग अभी तक घर नहीं गए। अभी हमको सब नीचे बोल रहा था कि सभी बच्चे घर चले गए, अब क्लास में कहाँ अटेंडेंस है। हम बोले मेरे एक भी बच्चे यहाँ से नहीं जा सकते जब तक हम छुट्टी नहीं लेंगे। पूरा मार्केट खाली है ना, अभी कोई ऐसा क्लास टीचर होगा जिसके क्लास में 500 बच्चा बैठा हुआ होगा? एकदम नहीं होगा, लेकिन यहाँ बच्चे बैठे हैं तो। लेकिन तू ये डेडिकेशन को भूल क्यों रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ये जो डेडिकेशन तू भूल रहा है ये गलत कर रहा है। हम मानते हैं कि तू बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन तुम अपने डेडिकेशन को भूल रहा है। इसको तुमको याद दिलाना मेरी जवाबदेही, और वही हम कर रहे हैं। हो सकता है मेरी बात तुमको बुरी लगे, लेकिन आफ्टर 1-2 महीने के बाद तू हमरा याद करेगा कि हाँ गुरुजी हमको जगाए थे, तो उसके बाद हमने पढ़ा था, मात्र 2 महीने के बाद। इसलिए मेरे दोस्त एकदम जो तू डेडिकेशन रखे हुआ, अभी किसी को भी बोल दोगे ना कि 500 बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, किसी को विश्वास नहीं होगा। लोग अभी सब टीचर कहता पटना तो खाली हो गया, केकरा पढ़ा रहे हैं? हम बोले पटना तब तक खाली नहीं होगा जब तक हम छुट्टी नहीं देंगे। छुट्टी दे देंगे तो बच्चे चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये डेडिकेशन को भूलो मत। जिसके लिए तू आया है उसी को भूल गया है, जो तेरा उद्देश्य है उसी को तू भूल गया। तू हैप्पी होली में लग गया है, तू मस्खरियाँ उड़ाने में लग गया है। हंसना गुनाह नहीं है, लेकिन सर अपना टाइम को वेस्ट करना ये गुनाह है। अगर ये मेरे दोस्त ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये फोकस है, ध्यान देना, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये इन्फिनाइट है ना। ई कौन दर्पण है मेरे दोस्त? अवतल दर्पण है। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर होती है, देखो कितने पोजीशन है, या तो अनंत पर होगा, या अनंत और सी के बीच होगा, या सी पर होगा, या सी और एफ के बीच होगा, या एफ पर होगा, या एफ और अनंत के बीच होगा। यही कंडीशन है, या तो अनंत पर होगा वस्तु, या अनंत और सी के बीच होगा, या सी पर होगा, या सी और एफ के बीच होगा, या एफ पर होगा, या एफ और पी के बीच होगा। एक कदम तुम इसको खिसकाओ, एक कदम यहां अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, एक कदम इसको खिसकाओ, एक कदम इसको खिसकाओ, तो हर काम हो जाएगा। देखो ये वस्तु है, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, अनंत और सी के बीच रहेगा, फोकस और सी के बीच बनेगा। एक कदम इसको खिसकाएंगे, एक कदम इसको खिसकाएंगे, एक पोजिशन फोकस है, एक पोजिशन फोकस और सेंटर के बीच है, एक पोजिशन सेंटर है। फिर अगर अनंत पर रहेंगे, तो सर सेंटर पर बनेगा, एक कदम इधर खिसकेगा सेंटर पे आ जाएगा। फिर अनंत सी और एफ के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच एक कदम ही और खिसकेगा, फिर एफ पर रहेगा, और अब एफ और पी के बीच होगा। तो उधर जब अनंत पर चला गया तब कहां जाएगा? नहीं जाएगा। अगर उधर अनंत पर चला गया तो अब कहां जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तब अनंत और एफ और पी के बीच होगा तो दर्पण के पीछे बन, ठीक है। यहां से यहां तक छोटा, ई बराबर, ई बड़ा, और ये सब का सब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। ये वाला जो है
काल्पनिक, सीधा, बड़ा या बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर ये एक नंबर है, यहां एक नंबर प्रतिबिंब बनेगा, ये दो नंबर है, ये दो नंबर बनेगा, ये तीन नंबर है, यहां तीन नंबर बनेगा, ये चार नंबर है, यहां चार नंबर बनेगा, ये पांच नंबर है, यहां पांच नंबर बनेगा, और ये छह नंबर है, यहां छह नंबर बनेगा। ध्यान दीजिएगा सर, अगर अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, अनंत और सी के बीच होगा तो फोकस और सी के बीच बनेगा, सी पर रहेगा सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच होगा सी और अनंत के बीच बनेगा, एफ पर रहेगा अनंत पर बनेगा, एफ और पी के बीच रहेगा दर्पण के पीछे बनेगा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, इसको सर हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, एक ऐसे दर्पण खींच लिया करेंगे कभी कभी, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर है, या ना तो कहेंगे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, पांच नंबर, छ नंबर, छ नंबर, यहां से यहां तक छोटा, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक उल्टा, इस साइड हो जाएगा काल्पनिक सीधा, और क्या बड़ा, ठीक है। इसको आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है, अगर आपने कर लिया तो आपको क्वेश्चन पूछेगा बताओ अगर सेंटर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहेंगे वक्रता केंद्र पर, कैसा बनेगा, बराबर, वास्तविक और उल्टा। एक चीज का और ध्यान रखना, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, एक दर्पण या एक लेंस हो तो काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। जैसे हम लोग कभी कल्पना उल्टी नहीं करते, हम लोग कभी कहते हैं काश हमको कोई जूता लेके मार रहा होता, ऐसा कोई कल्पना करता है, ऐसी कोई कल्पना नहीं करता। अगर कहता है कोई काश हमको जूता लेके कोई मार रहा होता तो ऐसी कोई कल्पना नहीं करता, कल्पना हमेशा पॉजिटिव होता है, काश हम सलमान खान होते, काश हम कैटरीना कैफ होते, काश हम डोनाल्ड ट्रंप होते, यही ना लोग कल्पना करता है। कभी लोग सोचता है काश हम जुतखोर होते, नहीं करता। तो कल्पना हमेशा सीधी होती है, कल्पना हमेशा कैसी होती है, सीधी। काल्पनिक जब ये कह दिया प्रतिबिंब सीधा होवे करे, बोलो ना, और वास्तविकता ऐसी होती है क्या, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, वास्तविकता हमेशा कैसी होती है, वास्तविकता हमेशा कैसी होती है, उल्टी। तो ये दर्पण में भी लागू होगा और लेंस में भी लागू होता। अब देखिए सर, ये तो हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की अगर आप बात करो, कौन दर्पण की, इसमें हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता, कैसा प्रतिबिंब बनता है सर, काल्पनिक सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा, काल्पनिक सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखें,
एक बार और हम समझाते हैं, बढ़िया समझिएगा। एक बार और हम समझाते हैं, अच्छे से समझिएगा। कहते हैं सर, अगर अगर हम वस्तु अनंत पर रखते हैं, कहां रखते हैं मेरे दोस्त? अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस। फिर अनंत और सी के बीच रखेंगे, फोकस और सी के बीच, फिर सी पर रहेगा, सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच, फिर एफ पर रहेगा तो अनंत, और फिर एफ और पी के बीच रहेगा तो दर्पण के बीच। सही है? इसमें सर थोड़ा सा मामला क्या हुआ है, इसका सबका आकार सेम होना चाहिए, वस्तु का आकार थोड़े बदल जाएगा। किताब में सेम है कि किताब में भी छोटा है? किताब में सेम होगा, थोड़ा होगा, लिटिल बिट। तो सर ये छोटा बनेगा, ये बराबर है, और ये बड़ा बनेगा, और ये सारे के सारे वास्तविक कैसे बनेंगे? उल्टे। और इस साइड वाला काल्पनिक या आभासी, और सीधा और बड़ा। टाइम सर हो गया है 9:25 से। तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में किसी भी स्थान के लिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा और छोटा। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दोनों में काल्पनिक बनता है। देखो इसमें भी काल्पनिक सीधा बनता है, ये तो फिक्स है। एगो में बड़ा बनता है, एगो में क्या बनता है? छोटा। तो तुम ध्यान से देखना, अवतल का स्पेलिंग बड़ा है और उत्तल का स्पेलिंग छोटा है। तो अवतल में बनता है बड़ा और उत्तल में बनता है छोटा। अवतल में बनता है बड़ा और उत्तल में बनता है छोटा। अवतल में, उत्तल में छोटा। कहते हैं अवतल में बड़ा प्रतिबिंब और उत्तल में कैसा? छोटा। काल्पनिक के केस में, केवल किस केस में? काल्पनिक के केस में। अब आप गौर से देखिए सर, काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो पीछे बनता है कि आगे बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें भी जो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा होगा ये दर्पण के पीछे बन रहा होगा। तो अगर ये दर्पण है, अगर ये दर्पण है तो दर्पण के पीछे ना बन रहा होगा? ये हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा सर कि एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। होता है? तो अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा। इधर की सभी दूरियां पॉजिटिव और इधर की सभी दूरियां, इसका मतलब देखो वस्तु तो हमेशा इधरे है। वस्तु की दूरी जब भी नापेंगे ओरिजिन से नापेंगे तो इधरे नापेंगे हो। इधर सब वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव की पॉजिटिव। और सर प्रतिबिंब देखिए इधर भी है आ इधर भी है। तो अगर वास्तविक है तो इधर है, इधर होगा तो वास्तविक निगेटिव की पॉजिटिव, काल्पनिक होगा तो इधर होगा। इसमें भी काल्पनिक होगा इस साइड, इसमें खाली काल्पनिक बनता है तो पॉजिटिव होगा। इसका फोकस इस साइड है तो इस साइड है तो निगेटिव की पॉजिटिव। इसका फोकस सर इस साइड मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसका फोकस पॉजिटिव के निगेटिव, पॉजिटिव के निगेटिव। अब देखो एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम फिर से समझाते हैं पॉजिटिव निगेटिव का क्या मामला है। वस्तु दूरी, जैसे यहां से वस्तु की दूरी हम नापेंगे ये वस्तु दूरी हो जाएगा जिसको U से डिनोट करते हैं, और यहां से जब प्रतिबिंब दूरी नापते हैं, ये सब प्रतिबिंब ना है, इसको V से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? F से। और सारा कहां से नापते हैं? पोल। कहां से नापते हैं? तो बताओ वस्तु हमेशा इस साइड रहेगी तो निगेटिव। सर दर्पण हो या लेंस हो वस्तु हमेशा वस्तु दूरी निगेटिव होता है। दर्पण हो या लेंस हो वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? तो भैया वस्तु इधर है तो हमेशा निगेटिव होगा। प्रतिबिंब इधर भी है और इधर भी है, तो अगर इधर है तो वास्तविक है वो निगेटिव हो जाएगा, और इधर है तो पॉजिटिव। फोकस इस साइड है, इस साइड है तो ये निगेटिव की पॉजिटिव, इस साइड है तो निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव ना। और अगर हम चले जाते हैं मेरे दोस्त, ये तो अवतल दर्पण है, अगर हम उत्तल दर्पण की ओर जाते हैं, कौन दर्पण की ओर जाते हैं? तो उत्तल दर्पण में यहाँ फोकस मिलता हुआ प्रतीत ना होगा? बोलो न रे। यहाँ अगर फोकस मिलता हुआ प्रतीत होगा मेरे दोस्त, तो पॉजिटिव की निगेटिव? इस साइड है तो पॉजिटिव, वस्तु तो हमेशा इसी साइड ना रहेगा, तो वस्तु दूरी यू का मान हो गया निगेटिव। अब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है यानी दर्पण के पीछे बनेगा तो इस साइड बनेगा तो पॉजिटिव ना।
सर देखिए एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, बताइए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता, सारा काल्पनिक का, सारा काल्पनिक का केस है, तो काल्पनिक कभी उल्टा हो नहीं सकता, ये भी गया इसमें भी उल्टा ही भी गया, काल्पनिक सीधा बड़ा है, काल्पनिक सीधा छोटा है, अवतल का स्पेलिंग बड़ा है, तो बड़ा है तो कैसा बनेगा बड़ा, अवतल का हम लिख दिए हैं दर्पण काल्पनिक के केस में अवतल बड़ा और उत्तल क्या छोटा, यू क्या है, ही क्या है, एप क्या है, एक होता दर्पण सूत्र एक होता लेंस सूत्र, अगर लेंस सूत्र होगा ना मेरे दोस्त, वन बाय भी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाय, देखिए सर कुछ बच्चों का ध्यान दीजिए, हाँ वेरी गुड कमेंट सारा ए नंबर होगा सही है, वन बाय भी प्लस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ, दर्पण पहले की लेंस पहले, पहले हम लोग दर्पण पढ़े तो पहले हो जाएगा प्लस और बाद में हो जाएगा ठीक है, तो ये हो जाएगा वन बाय भी प्लस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ, और वन बाय भी माइनस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ, तो दर्पण के लिए प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, और लेंस के लिए माइनस ना, चिन्ह परिपाटी आपके सामने है गौर फरमाइएगा, U का मान हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि वस्तु इधर रहेगा, इसमें वस्तु इधर रहेगा तो U हमेशा निगेटिव, अब रही बात इसका फोकस इस साइड होता है, इस साइड होगा तो F निगेटिव की पॉजिटिव, इसका फोकस इस साइड है, अब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब इस साइड बनता है निगेटिव, और काल्पनिक प्रतिबिंब इस साइड में बनता है, तो काल्पनिक क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसमें भी काल्पनिक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव की निगेटिव, क्लियर है, अब देखो इसमें तो केवल काल्पनिक ही ना बनता है, इसका आंसर एक टेबल भी बना दिए, आई तो जानता है एफ बराबर आर बाय टू, देखो इसका हम टेबल भी बना दिए, U हमेशा निगेटिव ना, अगर भी वास्तविक होगा तो निगेटिव और काल्पनिक होगा तो, यहां पर काल्पनिक होगा तो, यहां सर F का मान इस साइड है, ये अवतल दर्पण है तो इस साइड है, इस साइड है तो निगेटिव के पॉजिटिव, और उस साइड होगा तो, अब देखो एक होता आवर्धन क्षमता, हम बोले काल्पनिकता हमेशा पॉजिटिव की निगेटिव, तो कहता है आवर्धन माइनस भी बाई यू होता है, भी प्रतिबिंब दूरी है, यू वस्तु दूरी है, एम निगेटिव होगा किसके लिए, वास्तविक के लिए, अब वास्तविक कैसा होगा उल्टा, और एम पॉजिटिव हो जाएगा काल्पनिक के लिए, काल्पनिक कैसा होगा सीधा, सही है, कहेगा आवर्धन क्षमता पॉजिटिव किसके लिए, कहेंगे काल्पनिक के लिए, क्योंकि काल्पनिकता हमेशा पॉजिटिव होती है, वास्तविकता हमेशा निगेटिव, देखो अगर किसी अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण दे दिया है वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु दूरी तुमको दे दिया है U, U का मान कितना दिया है माइनस 10 होगा कि माइनस 10 होगा, और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस इसका इसी साइड ना हो, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो F निगेटिव की पॉजिटिव माइनस 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा भी का मान वाट, कुछ करना है खाली साइन अगर प्रॉपरली दे दिया भिन्न का जोड़ आता है सवाल बन जाए, बताइए क्या हो जाएगा, वन बाय भी प्लस की माइनस वन बाय भी प्लस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ, यहां से वन बाय भी निकालेंगे ये हो जाएगा वन बाय एफ माइनस वन बाय यू, यहां से सॉल्व कर लेंगे वन बाय एफ, एफ का मान हो जाएगा माइनस 20 माइनस ऑफ वन बाय माइनस 10, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है भी का मान, वेरी गुड, देखिए ऑनलाइन में भी बच्चे आंसर निकाल रहे हैं, भी का मान क्या हो जाएगा, प्लस 20 की माइनस 20, प्लस 20 सेंटीमीटर इज द आंसर, प्लस आया इसका मतलब वास्तविक होगा, अब वास्तविक होगा इसका मतलब उल्टा होगा, प्लस आया भाई मेरे, ये प्लस आ रहा है छोटा, अगर प्लस आया है तो प्लस आया है कर मतलब काल्पनिक होगा,
प्लस है तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। अब इसका उपयोग कह रहा है तो ध्यान देना, उपयोग बहुत आसान है। अवतल दर्पण का आ उत्तल दर्पण का जो उपयोग है इट विल बी टू इजी, ठीक है। एक है अवतल दर्पण और एक क्या है उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा सर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को आपको कैसे सीखना है कि उत्तल दर्पण को पहले तो सर हम अपसारी दर्पण कहते हैं, ये तो एकदम आपको जान लेना चाहिए और जान लेना जरूरी भी है। इसको हम परावर्तक दर्पण कहते हैं, इसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसको बिखराव दर्पण कहते हैं, इसको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। लेकिन बाबू मेरे, सोना मेरे, हम तोरा कितनों पढ़ा के भेजेंगे ना, तो तू एग्जाम हॉल में अभिसारी को अपसारी, अपसारी को अभिसारी कर देगा, तो यहां से बचेगा तुम कैसे। तो बचने का तरीका ये है मेरे दोस्त कि हम याद रखे हुए पहले अ की पहले उ, पहले अ बाद में उ। अभिसारी है एक अपसारी है, पफ बभ जानता है, तो तुम गौर से देखो अ कॉमन है यहाँ, अ अ सारी सारी कॉमन है, खाली भ और प में ही डिसाइड हो सकता है। हम याद रखे हैं पहले अ बाद में उ, बाद वाला पहले होगा, पहले वाला बाद होगा, यानी प पहले होता है भ बाद में होता है, लेकिन उल्टा होता है, भ पहले होता है प बाद में। जैसे हमको कहेगा अवतल तो हम कहेंगे प फ ब भ, तो पहले अ बाद में उ, लेकिन पहले भ बाद में प। ये मेरा सेटिंग है, हम नहीं गड़बड़ाते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे हमको कहेगा ना अवतल दर्पण, लेंस में उल्टा होता है, हमको कहेगा अवतल दर्पण, कहेंगे अच्छा अ पहले तो प न भ अभिसारी, बोलो रे, अन्यथा रट्टा मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुमको क्या करना है, ये सारे किरणों को बिखरा देता है और इस सारे किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है। तो सर इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका दुए को एग्जाम्पल है, फिक्स है। एक तो गाड़ी के साइड मिरर में, जिसको तुम पश्च दृश्य दर्पण कहते हो, गाड़ी के साइड मिरर में, और दूसरा दूसरा बताओ, रोड लैंप, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में। रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, उत्तल दर्पण, बिखराव दर्पण, अपसारी दर्पण, इस सब का उपयोग दुए जगह एकर उपयोगी है। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा ना तो मार देना अवतल दर्पण, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। अगर गाड़ी के साइड मिरर में, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, ये दोनों में खाली पूछेगा तो ये दर्पण उत्तल, बाद बाकी आंख कान नाक दांत नली का डॉक्टर, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर, गाड़ी के हेडलाइट, सोलर प्लेट, हजामती दर्पण, फलना चिलना ढकेलना, कुछ पूछ देगा मेरे दोस्त क्या मारना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन आए और इसको सर जल्दी से बना देना तो हर काम हो जाएगा। कहते हैं इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, अपसारी। इसे परावर्तक दर्पण या संकेंद्रीय दर्पण भी कहते हैं। देखो इसमें दुए गो है, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, और गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण या बिखराव दर्पण में। अब बाकी जितना है सब इसमें, गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नली का डॉक्टर, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट मतलब होता है नली, या परावर्तक दूरबीन, जहां कह देगा सर यही होगा, ठीक है।
अब आ जाइए यहाँ, आपको ये याद रखना है कि अवतल दर्पण टॉर्च है, उत्तल दर्पण लालटेन है। जहाँ बिखराने की बात करेगा वहाँ उत्तल, और जहाँ समेट के रोशनी भेजने का बात करेगा, अब बताओ आँख का डॉक्टर है ओकरा लालटेन से काम चलेगा? वैसे करके लालटेन लेके देखेगा आँख में कथी है, ओकरा टॉर्च चाहिए, तो इसलिए वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। बोलो न दी, गाड़ी का हेडलाइट है ओकरा में टॉर्च चाहिए कि लालटेन चाहिए? गाड़ी का हेडलाइट में सर लालटेन वाला रोशनी रहेगा तो एकाएक कोई आ जाएगा, अच्छा आ गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा, उसमें टॉर्च वाली रोशनी चाहिए, इसलिए उसमें किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण बोले तो टॉर्च, उत्तल दर्पण बोले तो लालटेन। देखो हम फिर से समझा देते हैं, बढ़िया समझना। उसके बाद हम लोग लेंस से स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है? क्योंकि लेंस नया टॉपिक है, उसको हम लोग अलग से स्टार्ट करें। एक बार फिर से हम लोग समझेंगे सर मामला क्या है। देखिए अगर आप सर दर्पण को प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस चीज़ को 5 बार 6 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। वस्तु दूरी चाहे वो दर्पण हो कि लेंस, वो हमेशा निगेटिव होगा। प्रतिबिंब इस साइड बनेगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो निगेटिव होगा, इस साइड बनेगा काल्पनिक बनेगा वो पॉजिटिव। फोकस दूरी अवतल दर्पण की इस साइड है इसलिए निगेटिव होगी, उस साइड होगा तो पॉजिटिव। इतने तो सीखना है, आई 6 कंडीशन को प्रैक्टिस कर लेना है। अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग से एक क्वेश्चन रहता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में ना, साइड मिरर में, और रोड पर लगे लैंप में उत्तल। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा क्या मार देना, तुम्हारा 12-14 क्वेश्चन है बन जाएगा। क्लियर? बोलो न दिल। उसके बाद है हमारा सर कथी, लेंस। लेंस से नहरे बता, लेंस पढ़ा दें, आधा में लटक जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। छुट्टी पे तो पूरा ध्यान रहता है, हमको लगता है लगभग 80% बच्चा जा चुका है। भोर में हम राजेंद्र नगर टर्मिनल गए तो ट्रेन में हमको लगता है लटकने तक का जगह नहीं था। देखिए साइड मिरर नहीं जानता है रे, साइड मिरर क्या होता है? गाड़ी में जो साइड में रहता है, जिससे तुम देखना, एक चीज उस पर लिखल रहता है कि द इमेज व्हाट अपीयर इज क्लोजर देन अपीयर, देखा है लिखा हुआ? काहे लिखल रहता जानता है? इसलिए लिखल रहता है मेरे दोस्त कि उसमें लगल रहता है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। मतलब हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि अगर कोई प्रतिबिंब दूर रहेगा, कोई वस्तु दूर रहेगा तो छोटा दिखाई देगा, और नज़दीक रहेगा तो बड़ा दिखाई देगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वस्तु कहीं भी रहेगा ना तो छोटे दिखाई देगा, अगर बड़ा दिखाई देगा नज़दीक वाला वस्तु तो पता चला जे स्कॉर्पियो यहाँ है मेरे जस्ट पीछे, वो दिखाई देगा क्योंकि वह भर देगा पूरा दर्पण, अब बाकी दिखाइए नहीं देगा, तो मामला गड़बड़ ना हो जाएगा। तो इसीलिए उस पर लिखा रहता है द इमेज व्हाट अपीयर इज क्लोजर देन अपीयर। आप ये नहीं समझें कि छोटा दिख रहा है तो दूर में है, क्योंकि इसमें कहीं भी रहेगा तो कैसा दिखेगा छोटा? तो हम लोग तो सर बिहारी आदमी हैं, अपना जो है गाड़ी चला रहे हैं के दर्पण में देखता अपना ऐसे करके देखो कहाँ तक आया। जब हम लोग को हगने के बाद ये संतुष्टि नहीं है कि कितना हगे हैं उसको भी देख लेते हैं, हम लोग दर्पण पर भी भरोसा नहीं करते हैं, लगता है कि दर्पण भी जो दिखा रहा है वो सही है कि गलत। देखना तुम गाड़ी चला रहा है ऐसे ऐसे कर, जबकि गाड़ी में इतनी फैसिलिटीज है कि आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी चलाइए सिर्फ मिरर पे ही आप सारा काम कर लीजिएगा। उससे भी नहीं होता लोग देखता कहाँ है, अपना गांव घर में ट्रैक्टर वाला सबको देखना तुम, और कुछ नहीं देखना, मोड़ना है इधर से कोई आया माँ कसम आया था गया, वो तो ट्रैक्टर पे है, ट्रैक्टर वाला सब गाँव में तो साफ पागल रहता है, ओकरा ना इंडिकेटर के मतलब है, इंडिकेटर तो जलाता ही नहीं है मोड़ने पर, और फुल साउंड में भोजपुरी गाना चला देना है, और कहीं मोड़ना है तो अपना मोड़ लेना, ना हाथ देना है ना इंडिकेटर जलाना है। इसलिए ट्रैक्टर वाला और कोई लड़की गाड़ी चला रहे हो एकदम सावधान रहे,
रोड पर अगर कोई लड़की गाड़ी चला रहा था, हम एकदम स्थिर से, हम फोर व्हीलरों पर रहते हैं तो हम अपना साइड ले लेते हैं कि तुम जा, क्योंकि कोई भरोसे नहीं, बिना इंडिकेटर के मोड़ देगी। इसलिए प्यारे बच्चों, लड़की, कुत्ता, गाय, इस सब से बच के रहना है, ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो हम लोग सर लेंथ से स्टार्ट करेंगे अब छुट्टी के बाद, ठीक है। आज से आप लोगों की छुट्टी है और संस्थान अपने नियमित समय पर 5 तारीख, अब तुम्हारा जो बचा हुआ सब्जेक्ट है वो उसमें 3 क्लास तुम्हारा लाइट में हो गया, 3 से 4 क्लास और लाइट में होगा, और उसके बाद तुम्हारा बच गया एक करंट और मैग्नेटा मॉडर्न, लगभग 10 से 12 क्लास लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ केमिस्ट्री में बचा हुआ तो 1 सप्ताह ले लेंगे केमिस्ट्री, तो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे बाद में एडमिशन लिए हैं उनका भी हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऑफलाइन वाले बाद में एडमिशन लिए हैं उनका भी हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्लियर? तो अभी आप लोगों को डेरा जाना है और रिविज़न कंप्लीट करना है और शनिवार को घर चल जाना है। कल, आज और कल नहीं जाना है घर, रविवार को घर चल जाइए, सोमवार को घर पे रहिए, मंगलवार को घर से चले आइए, ताकि वहाँ जाइएगा तो कम से कम अपनी औकात भी आपको पता चले। इसे सारे बच्चे घर जाएंगे, अगर जाना है तो मन बना लिया तो चले जाओ, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हार्डली, सोमवार को होली है, मंगलवार को चल देना, नहीं चल पाओ तो हार्डली बुधवार को चल देना, और आके बैठ के प्रॉपर रिविजन करेगा। तो बिलीव कर, अगर तू ये होली भर अपना मन बर्दाश्त कर लिया तो तुम्हारा 30-40% एक्स्ट्रा चांस बन रहा है तुम्हारे सिलेक्शन, क्योंकि ये टाइम किसी को नहीं मिलने जा रहा है, ये टाइम जो निकालेगा उसी को मिलेगा, नहीं निकालेगा तो फिर नहीं, और ये टाइम निकालना इतना आसान नहीं है। होली में अपने मन पे संयम रखना इतना आसान नहीं है। अगर तू चाहता है मेरे दोस्त कि तू अपने पड़ोसी को जवाब दे सके, तू अगर चाहता है तो अपने गांव के दुश्मनों को, पापा के दुश्मनों को जवाब दे सके, तो यही एक मौका है तुम्हारे पास, 1 लाख वैकेंसी है, तोरा कोई नहीं रोक सकता है। और कहते हैं कोशिश करने वालों की, और तेरी हार तो कदाचित निश्चित नहीं है, एकदम तुहर हार नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर्म किए हैं, तब तू यहाँ बैठा है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको भजाना है और ये 8 दिन तुमको संयम बनाए रखना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग 5 तारीख को, मंडे को, तब तक के लिए 3 और 4 को जिनका ग्रुप डी का डिस्कशन है उनका ग्रुप डी का डिस्कशन होगा, जो इस सप्ताह में टेस्ट हुआ है वो इस सप्ताह डिस्कशन नहीं होके अगले सप्ताह होगा। तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से सर हैप्पी होली है, लेकिन लेकिन कंडीशन ये है, आपकी होली हम हैप्पी होली तब स्वीकार करेंगे जब आप होली में 2 दिन से ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं ना करिएगा, 2 दिन से ज़्यादा होली बर्बाद, ये एकदम प्रॉमिस कर रहे हैं तुम लोग, पक्का चला इस बार ले लेना है। कितना पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते पगला जाएगा, इस बार ले के किसी तरह निकलो, 2-4-5 दिन के गेम, 5 दिन में सब गेम पलट जाएगा। अगर तू 5 दिन रिविजन कर लिया ना, तो बिलीव कर तेरे अंदर वो हॉर्लिक्स से भी ज़्यादा शक्ति आ जाए, वो तू कुछ लोग मैन रह जाएंगे, कुछ लोग सुपरमैन हो जाएंगे यही 5 दिन, क्योंकि 5 दिन रिविजन यही है। पहले 2-4 को सब्जेक्ट को टारगेट बना लो, एगो मैथ को, एगो साइंस को, और थोड़ा बहुत रीजनिंग को, अगर इतना को टारगेट बना लिया तो हर काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ मत करना, नहीं समझ में आएगा ना, खाली पढ़ते रहना, खाली रीडिंगे मारना, कुछ मत करना, नहीं समझ में आएगा खाली रीडिंग मारना। तो बिलीव कर बहुत सारी चीज़ें तेरे दिमाग में आ जाए, दिमाग ऐसा कंटेनर है चला, पता भी नहीं चलता, बहुत चीज़ स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो प्रॉमिस ना, 2 दिन से ज़्यादा बर्बाद नहीं करेगा। चलिए, तो आपको और आपके पूरे परिवार को एक बार फिर से मेरे तरफ से हैप्पी होली है, थैंक यू वेरी मच। और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी सर मेरे तरफ से हैप्पी होली है, 5 तारीख को हम लोग सर मिलेंगे। हाँ, मैथ होगा, जिनका मैथ है वो मैथ होगा। आज का सभी क्लास रात तक चलेगा, आज का जो क्लास है सभी क्लास अपने नियमित समय पर चलेगा, आज की कोई क्लास बंद नहीं है। एग्जाम में अभी टाइम है सर, सबको मेरे तरफ से हैप्पी होली है।
बाद में लिखें।